दोस्तों आप सभी से नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़ और हम सुबह 4 बजे लाइव हैं भोजपुरी अवधि समाज धर्मशाला के छठ घाट से। ये डबुआ कॉलोनी में छठ घाट है और सुबह देखिए लोग बैठे हुए हैं सुबह के इंतज़ार में। अभी 2-3 घंटे में सुबह हो जाएगी, सूरज भगवान निकलेंगे तो ये उनको अर्घ देकर अपने त्यौहार का समापन करेंगे। तो 12-14 घंटे ये लोग बैठे रहते हैं छठ घाट पर। कुछ लोग पानी में भी खड़े होते हैं, कुछ लोग छठ घाट के दोनों तरफ बैठे होते हैं सुबह होने के इंतज़ार में। रात भर इसी तरह ये लोग भजन कीर्तन करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, सूर्य भगवान की उपासना करते रहते हैं और अपना त्यौहार ये लोग मनाते हैं बड़ी आस्था के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ। ये देखिए पूरा छठ घाट आपको दिखाई पड़ रहा है, बहुत बड़ा छठ घाट है। यहाँ पर हजारों लोग देखिए दोनों तरफ बैठे हुए हैं प्रसाद लेकर। अभी जब उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे उसके बाद त्यौहार का समापन करेंगे तो प्रसाद वगैरह ये वितरित करेंगे अपने घरों पर जाकर। तो देख रहे हैं आप लोग ये आस्था का पर्व, ये सूर्य उपासना का पर्व, ये श्रद्धा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। किसी की आंखों में नींद नहीं दिख रही है, ये लोग चद्दर बिछा कर बैठे हुए हैं सुबह होने का इंतज़ार कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग ये सभी बैठे हुए हैं, देखिए हजारों लोग बैठे हुए हैं दोनों तरफ, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, ये देखिए दोनों तरफ बैठे हुए हैं और एक दो नहीं हैं, हजारों लोग हैं। और सबसे बड़ा छठ घाट है ये फरीदाबाद का, सबसे पुराना छठ घाट है और परमानेंट छठ घाट है। यहाँ पर हर साल इसी जोश उत्साह के साथ, इसी आस्था के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी श्रद्धा के साथ त्यौहार को मनाया जाता है। देखिए लोग किस तरह से बैठे हुए हैं छठ घाट के दोनों तरफ सुबह होने के इंतज़ार में। देखिए दोनों तरफ लोग बैठे हुए हैं। तो दोस्तों सुबह के 4 बजे मैंने ये वीडियो बनाई है, हमने सोचा लोग सो गए होंगे लेकिन ऐसा नहीं दिखा, लोग जाग रहे हैं। सुबह सबको नींद आ जाती है लेकिन इनको नींद नहीं आ रही क्योंकि बहुत आस्था है और वो आस्था इनकी आंखों से नींद को भगा देती है, वरना तो बड़े बड़े लोग भी सो जाते हैं सुबह 4 बजे, लेकिन ये लोग जाग रहे हैं। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।